नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कान से संबंधित एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम जिसे हम टिनिटस कहते हैं या हिंदी में कान के बजने की बीमारी कह सकते हैं हम, इसके बारे में, इसके लक्षण, इसके कारण और इसके इलाज के बारे में कुछ विस्तारपूर्वक जानकारी शेयर करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया। इससे पहले की वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि टिनिटस किसे कहते हैं या हिंदी में हम कह सकते हैं कान की बजने की बीमारी। ये एक ऐसी साउंड है जो हमारे शरीर का अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता। वो साउंड हम हमेशा कान में महसूस करते रहते हैं, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो या काफ़ी दीर्घ समय तक के लिए हो। वो बजिंग साउंड हो सकता है, गुनगुनाने वाला, या हमिंग साउंड हो सकता है, हल्का फुल्का जैसे पीसने वाले ग्राइंडिंग के साउंड आ सकते हैं, या ताली बजाने के साउंड हो सकते हैं, या विस्लिंग सीटी बजाने के साउंड हो सकते हैं, या किसी गाने का म्यूज़िक या गाने की आवाज़ या धड़कन या घड़ी के कांटे की आवाज़ बराबर कान में जो है गूंजता रहता है। तो इसीलिए इसे कान बजने की बीमारी, रिंगिंग इन द ईयर भी कहा जाता है। किसी किसी पेशेंट्स में ये सब लक्षण कुछ अवधि तक ही रहता है या कुछ समय तक रहता है, बिना इलाज के भी ठीक हो जाता है। लेकिन काफ़ी बार काफ़ी सारे लोगों में ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, एक डिसअपॉइंटिंग स्थिति पैदा कर देता है, जिसके वजह से नींद में कठिनाई या डिप्रेशन तक की स्थिति भी पैदा होने लगता है। तो ऐसी स्थितियों में पेशेंट जो है अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बराबर कान में बज रहा है, साउंड आ रहा है, गूंज रहा है, तो इसके वजह से किसी भी काम में एकाग्रता के साथ में कर नहीं पाते हैं। अगर हम इसके कॉजेस के बारे में बात करें तो कॉजेस अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। बहुत सारे लोगों में मैंने बताया कि ये कुछ समय तक ऐसी अनुभूति होने के बाद खुद भी चला जाता है, और बहुत लोगों में ये लॉन्ग टर्म तक रहता है, और हेयर लॉस की स्थिति, मतलब कान की आवाज़ की धीरे धीरे कम सुनने की जो शक्ति है वो उसमें सुनने की शक्ति में कमी, और साथ में कई बार हेयर लॉस की स्थिति भी पैदा हो जाता है। कारणों के बारे में बात करें तो एज रिलेटेड हेयर लॉस की स्थिति में भी ऐसा हो सकता है। कई बार इनर ईयर डैमेज होने पर ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से साउंड के सुनने के वजह से अंदरूनी कान में डैमेज हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है, या वैक्स का बिल्डअप ज़्यादा है कान के अंदर, या मिडिल ईयर इन्फेक्शन हो गया कान के अंदर में, या मैनियर्स डिजीज़ जिसमें चक्कर भी आता रहता है, इसके रहने पर इस तरीके की कान बजने की स्थिति हो सकता है। कई बार ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जिसमें एबनॉर्मल बोन ग्रोथ होता है, हड्डी का बढ़ता है मिडिल ईयर में, इसके वजह से भी कई बार जो है टिनिटस का प्रॉब्लम बन सकता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसका उपलब्ध है। मैंने भी काफ़ी पेशेंट्स को टिनिटस का सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया है अपने प्रैक्टिस कैरियर में। इसके साथ साथ काउंसलिंग के द्वारा भी बहुत हद तक मदद मिलता है, और साउंड थेरेपी के थ्रू से भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और टिनिटस रिटेनिंग थेरेपी का भी प्रयोग किया जाता है। आमतौर पे मॉडर्न मेडिसिन में इसको लेकर के अभी भी रिसर्च जारी है, और अगर किसी भी पेशेंट्स को इस प्रकार के कोई भी स्थिति उत्पन्न होता है तो खुद से आप कान में ड्रॉप्स वगैरह या कोई भी दवाई ऐसे परचेस ना करें। बेहतर है आप अपने नज़दीक के डॉक्टर का कंसल्ट करें, उनके सलाह के द्वारा कान की जांच कराएं। अगर उन्होंने आपको टिनिटस डिक्लेयर किया है या बताया है तो उस माफिक जो भी स्ट्रेटेजी वो आपके सामने रखेंगे उसको पूरी तरह से फॉलो करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल टिनिटस से मुक्त हो सकते हैं और अपने स्वस्थ जीवन में रिटर्न बैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मुझे आपके समक्ष पेश करते हुए काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि मैंने आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने, जिन्होंने मुझे लिख करके भेजा था टिनिटस के बारे में, मैंने काफ़ी सारी जानकारी शेयर कर दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए और आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।